हाय एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू चैनल फॉरएवर, जिसका नाम दिया है पियन है। बहुत ही अच्छा। एक्चुअली मैंने नहीं, ये नाम आप लोगों ने ही दिए है, तो अच्छा। हम लोग वहीं से इंस्पायर होके सोचे कि इससे अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता हमारे चैनल का। तो आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उसके सिवा और क्या चाहिए यार। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि ऐसे ही, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि होल लाइफ जॉब करूंगी या फिर एक आराम सा जिंदगी होगा। जैसे मैं शुभा दीपू को देख के इंस्पायर होती हूँ, हर वक्त सोती रहती है और एक बंदा रील्स करता रहता है और एक बंदा सिर्फ सो के स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करता है सोशल मीडिया में। तो मैं और शुनू देख के बोल रही थी कि शुनू भी सेम करती है। शुनू भी सेम करती है, बट अभी शुनू का फेस थोड़ा काम का चल रहा है क्योंकि 10 महीना काम नहीं रहता है। 2 महीना अभी ये नवंबर दिसंबर थोड़ा प्रेशर है, गवर्नमेंट सर्विस है ना, इसीलिए तो पता है। तो मैं तो बेचारा फंस गई प्राइवेट सेक्टर। तो मैं सोचती कि चलो ऐसी कुछ कर दे कि मैं भी इन लोगों के जैसा एंजॉय कर सकूं एकदम। हाँ तो इसलिए सोचा डीपीओ फॉरएवर चले आए। बट ये जो मैंने बोला सब एक मजाक था। हाँ तो एक्चुअली रीजन कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे ही हम दोनों का बहुत सारा मोमेंट से आप लोग डिमांड करते हो डालने और के आप लोग पसंद भी करते हो, तो जो लव गेट्स बेटर टुगेदर में देना पॉसिबल नहीं होता, हमेशा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हम लोग का स्केड्यूल रहता है। और सबसे बड़ी बात, तो हम सबका चैनल है, मेरा शुभो का, तो वहाँ पे कपल ब्लॉग देना हमने सोचा कि दूसरा एक चैनल ओपन कर रहे क्योंकि पिया का भी शौक था यूट्यूबर बनने का। नहीं, मेरा शौक कभी नहीं था, बस मैंने आप लोगों की वजह से, आप लोग बहुत लोग मुझे इनबॉक्स में रिक्वेस्ट है कि आप एक चैनल खोलो। तो इसीलिए हम फुल फैमिली आ गए। तो ये मिलिए, ये मेरे बेटे हैं और ये मेरे बेटी और यहाँ पे मेरा ग्रैंड डॉटर। इसको मत बोलो, मुझे देखो, दीपिका अपने ग्रैंड डॉटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है ताकि उसकी उम्र बढ़ जाए। अरे हमारी बेटी बहुत जल्दी शादी कर लिया, इसलिए बहुत जल्दी बच्चा हो गया। मुझे एकदम पसंद नहीं है दीपिका के जैसे जो बेटी नहीं, इसका नहीं डॉल नहीं है ये। देखो सेम चेहरा है, एक ही दिखने नहीं, एकदम नहीं। और पिया की फेस से जाता है मेरी, ये मेरी जैसे, मेरी बेटी है ना तो मेरी जैसी होगी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे जैसे दिखता है, बट क्यूट है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे ये ज्यादा पसंद है। दोनों ही दीपिका ने ही मुझे दिया, ऑब्वियसली वही देगी ना, और इसका मदर तो वही है। जस्ट किडिंग। हाँ तो हम ये मेरे पास रहते हैं क्योंकि मम्मी तो काम का नहीं, ये सब हम लोग बाद में बोलेंगे इसको कैसे लिया और इसके बारे में हमारे वीडियोस में मिलेंगे। बट इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो में मतलब इस चैनल में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वही पिया भी बोलेगी। हाँ क्या मिलेगा तुम बोलो। मुझे भी कुछ नहीं पता। इस वीडियो में हमारा ब्लॉग मिलेगा और हमारा झगड़ा मिलेगा, बहुत ज्यादा झगड़ा। और हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग दिखाने के लिए बहुत ही कोट एंड कोट परफेक्ट कपल वाला इमेज नहीं रख सकते क्योंकि वी आर वेरी जेन्युइन, वी आर वेरी रियल। अगर गुस्सा आएगा तो गुस्सा दिखाएंगे, प्यार आएगा तो प्यार दिखाएंगे। वो सिर्फ वो हेवन क्रिएटेड इन हेवन वाला रिलेशनशिप नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता इस दुनिया में, एकदम नहीं। हाँ, वो फिल्मों में नहीं हो सकता है, फेरी टेल में हो सकता है। तो बस जो है रियल है, और प्लीज आ जाओ मेरे दो रतन। तो हमारे चैनल में जो मिलेगा और भी, ये मेरी बौदा है, आप लोग पहचान दो, आई मीन रूपशा। चलो कैमरामैन आ गए लास्ट में। हाँ, हमारे दो अनमोल रतन, ये और ये बोधे रानी, आई मीन बौदा, यू नो ऑल, सबको पता है, बहुत सारा फैन है इसकी, बहुत सारा। तो बहुत सेलिब्रिटी दोनों का चैनल है, फिर भी हम इस दोनों के रहने नहीं खा रहे, हमेशा कवर में हड्डी होते हैं, हमेशा कवर में हड्डी रहेंगी। हां ऑब्वियसली रहेंगे, नहीं तो जी नहीं सकते एक्चुअली। एकदम एकदम स्पाइसेस है हम दोनों। यस हां, दोनों के बिना अधूरी रह जाएगी। नहीं, दोनों बहुत ही कवर में हड्डी है, हर जगह हो जाता है, बट लव इट एक्चुअली। तो हमारे चैनल में इन दोनों को भी मिलेगा देखने के लिए, और शुनू बहुत जल्दी खुद का चैनल ओपन करेगी। शुनू मेरी भाभी शायद आने वाली है कुछ ही दिन में। कुछ दिन बाद शायद न्यू ईयर में आ जाएगी मुझे लग रहा है, जो और बाला को भी मिल जाएगा, जो प्रोसेस चल रहा है, लग रहा है कि न्यू ईयर तक आ जाएगी जल्दी, तब हम रिवील करेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। गेस करते रहो, सोनिया को हार्ट अटैक आ जाएगा इस वीडियो के बाद। गेस करते रहो कौन हो सकता है ऐसा, चैनल आ जाएगा, सुनो और हाँ आएगा भाभी और भैया एक साथ।
तो और मैं यहाँ पे हमारा जो शुभो का भी आ रहा है वो भी प्रोसेसिंग का हमेशा प्रोसेसिंग रहता है शुभो का एक्चुअली बहुत सारा है शुभो और रूपसा दोनों का कंपटीशन देता है यार में कितना होगा कितना गुन नहीं पाते ओके तो हमें और दीपिका प्रिया को एक बड़ा पावर देते हैं इस चैनल में पिया का आवाज सबसे ज्यादा रहे हम यही चाहेंगे क्योंकि चैनल पिया का है एकदम एकदम ऐसा लगे कि चैनल ऐसा कुछ नहीं है भाई सबका है नहीं ये तुम्हारा चैनल है हाँ मेरा चैनल है तो क्या पिया को मैं यूट्यूब बनवा के ही रहूंगा मैं यूट्यूब ना यूट्यूब यूट्यूबर हाँ पिया को हम देखते हैं कितने साल में बनते हैं और ये है अपकमिंग है तो कोई अगर लकी भाभी बनना चाहते हो तो आ जाओ नहीं मैं अपनी भाभी चूज कर लिया है अब मैंने देखते हैं और शुनू भी चूज कर लिए हाँ हाँ तो वही होगी शायद शायद आई होप सो एक्चुअली सबको पसंद है बोलो हाँ, तो सही है हो सकता है 80s वाली चल बहुत ही अच्छी है ऐसा मत बोलो भाभी है तुम्हारी और शुभो का प्रोसेसिंग है क्योंकि बहुत सारे हैं ना तो वो कंफ्यूज हो रहा है तो बहुत जल्दी वो भी चूज कर लेंगे चैनल का टॉपिक क्या था आज का इंट्रोडक्शन तो और हमारे ब्लॉग में भी रूपसा मिल जाएगी ज्यादातर टाइम रूपसा ही मिलेगी ब्लॉग में इस चैनल में पिया रिलेटेड सब कुछ मिलेगा वो हम होंगे हो सकते हैं या फिर पिया का फैमिली भी हो सकता है और मैं पिया को रिक्वेस्ट करूंगा अपना फैमिली टूर भी एक दिन करा दे हमारे ब्लॉग उसके फोन को लेकर हाँ आई विश आई विल गेट दैट टाइम बिकॉज नहीं तो रूपसा कर देगी ब्लॉग कोई बात नहीं है पिया सिर्फ अपलोड करेगी और क्या करेगी करना अपलोड अच्छा है अच्छा कुछ अलग लगा ओके इग्नोर गाइस ठीक है बस कुछ मैं यहाँ पे टॉपिक दे देना चाहूँगा क्या क्या अपलोड होगा इन दोनों का जब एक साथ रहेंगे डेली व्लॉग्स रहेगा कुछ कपल चैलेंजेस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो रहेगा और आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो वीडियो के लिए कि कैसे टाइप के वीडियो चाहिए बट हॉर्नी वीडियो मत बोलना कि कुछ सेक्सी वीडियो करना वो पॉसिबल नहीं है बट हाँ कुछ भी टॉपिक पे आप लोग बोल सकते हो उस टॉपिक पे हम सब वीडियो करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो एकदम हम लोग आंसर देंगे और हम लोग दीपिका ने सोचा है कुछ नया हाँ जो अपकमिंग 2-3 वीडियोस आएंगे हमारे जो आप सब ने बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया है बट हम लोगों ने बोला है बट डिटेल्स में नहीं बोला है तो अब उसको डिटेल्स में हम बताएंगे तो वेट फॉर दैट और अगर आप लोग चाहते हो चैलेंज तो इन दोनों को भी हम ले लेंगे हम ना बोलने से भी कोई खाने वाला चैलेंज है तो शुभ तो रहेगा कितना खाओगे ये पूछना खाओगे कि नहीं ये शुभ अभी सोच रहा है वीडियो कब खत्म होगा अगर शुभ खाना शुरू करेगा तो कैमरा का चार्ज खत्म हो जाएगा खाना खत्म नहीं होगा टाइम लगेगा बहुत 24 घंटा तो हाँ एडिट करते तो ये सब रहेगा टॉपिक और प्रे करो आने वाले 5-10 सालों में एडॉप्ट कर ले किसी को बच्चा को सच में बेबी आ जाए वो भी आएगा के पास में ऐसे बहुत यही चलते का चलने का नाम ही नहीं शुभो शुभो मामा बनेगा ना क्यों भाई आप लोगों का भी आना चाहिए एकदम एकदम उसके पहले पौधा का आ जाएगा मतलब बहुत अट्रैक्टिव है सबको बहुत लोगों को पसंद है मेरी बहन है तो मैं बोल देती हूँ कि शी इज टोटली स्ट्रेट गाइस के लिए ठीक है गर्ल्स के लिए नहीं गाइस है तो शुभ को लिए कांटेक्ट करो ना मतलब ऑब्वियसली गाइस के लिए दो टाइप का चॉइस ही है तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बकबक कर लिया है तो मेन बात जो है के आप देखते रहो सपोर्ट करते रहो सब्सक्राइब करते रहो और पसंद आए तो लाइक भी करते रहो एकदम जरूर हाँ, और ठीक है शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बाय गाइस बाय गाइस सपोर्टिंग दीपिया ये हुरे हिप्पी फिर बोल टाटा टाटा बाय बाय खत्म अभी तो शुरुआत हुआ है आगे और भी बाकी है मेरे तो बाय बाय